सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है कि ईश्वर को जानने के उपरांत ही मनुष्य का भाग्य उदय होता है। यहाँ नुमाइश मैदान में संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित विशाल संत समागम को संबोधित करते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि ईश्वर को जानने के उपरांत भक्ति प्रारंभ होती है। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास से दूर रहकर खुद को परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए ताकि परमात्मा से रिश्ता जुड़ सके। बागेश्वर पहुंचने पर समागम में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे लोगों ने माता सुदीक्षा जी महाराज का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर के संयोजक तिलराम आर्य सहित अन्य आयोजक पदाधिकारियों ने समागम की सफलता पर सभी का आभार व्यक्त किया है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य गार जी। बागेश्वर में यहाँ सभी उपस्थित जो हमेशा दिल अपना इस परम पिता परमात्मा इस निराकार में लगा के ये भक्ति भरा जीवन बिता रहे हैं, और ये स्थान का नाम भी जैसे है बागेश्वर, तो वो जो भाग की बात आती है कि अक्सर हम ये तो दुनिया में देखते हैं कि ये शब्द ही कि ये भाग के अर्थ कितने अलग हो जाते हैं। एक वैसा भागना जिसको दौड़ना भी कहा जाता है, एक वैसा भाग कि इसके टुकड़े कर दिए जाएं, इसके भाग कर दिए जाएं, एक ऐसा भाग जो शामिल होने की बात होती है, हिस्सा लेने की बात, भाग लो, और एक भाग्य की बात कि ये किस्मत की जो बात आती है। तो हमें ये किस्मत ने तो भाग्य ने ऐसा बना दिया कि इस संसार में इस मनुष्य योनि मिल तो गई, ये आत्मा का कल्याण जिस योनि में होना है तो ये तो हो गया। अब हमारा ऊपर ये चुनाव कि हमने जीते जी कौन सा भाग लेना है, क्या हमने अपने कर्तव्य जिम्मेवारियां और जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य ये परमात्मा को पाना, अपने आप की पहचान करनी, इसमें कैसा भाग्य लेना है, वो भाग लेना है कि जिम्मेवारियों से इस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर भाग जाएं या फिर इसका भाग बने। अक्सर संसार में कैसे वो समय भी ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि इस समय क्या हम घर परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें या इस समय और कुछ किया जाए, तो बहुत ही ये तनाव से हो जाते हैं, ये दिमाग दिल बट जाता है, उसका भाग हो जाता है। तो बात वही कि जब ये परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, इसी के अंदर पूरा सृष्टि पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर सामने वाले के भीतर, वो बात जो हर किसी धर्म ग्रंथ में बताई गई कि मुक्ति के हदगार इंसान तुम इस मानव जीवन को जी के इस प्रभु परमात्मा को हर समय के लिए देख लो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर, तो ऐसा करने से फिर वाकई ही वो जीते जी मुक्ति के हकदार बनते हुए फिर जब ये स्वास्थ्य ख़त्म होंगी तो भी वो मुक्ति मिलनी संभव तभी होती है जब इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चले, इस परमात्मा को हर समय देखें, इसके एहसास में रहें। और फिर ये भी पता चल जाता है जब ये रचनहार ही एक है तो सारी रचना एक है, सभी इसके बनाए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत के कारण नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान, सब बहुत ही श्रेष्ठ। तो बात वही कि हम अक्सर धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं जो कि बहुत मुबारक कार्य है कि ये पढ़ने को भी पढ़ें, पर बात वही है कि सिर्फ एक जैसे हम अभी श्रवण भी कर रहे थे कि पढ़ने तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि पढ़ेंगे और कोई भी काम अगर हम बिना समझे करते हैं वो फिर रटन हो जाता है, वो सिर्फ एक बुद्धि में याद करके ही वहाँ तक ही सीमित रह जाती है बात। पर ये असली भक्ति तो भक्ति मार्ग पे रह के वो भक्ति में जीवन जीना है, वो कर्म करने हैं, तो ऐसे कर्मों के ऊपर केंद्रित करें, वरना तो वो कहानी हर एक ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी कि वो एक शिकारी जब
तैयार करता है अपने शिकार से पहले और बहुत सारे बीज डाल देता है कि ये पंछी चिड़िया के बीज खाएंगी, और उसी समय वो एक नेट से उनको पकड़ा जाया जा सकता है, वो पंछियों का शिकार किया जा सकता है। और उसी में एक पंछी ने सबको ये बात बता दी और वो फिर सिर्फ रटन रूप एक बार बार बोलते गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे, हम फंसेंगे नहीं, तो वही रटन की तरह करते तो रहते। और अब वो शिकारी को लगता कि ये तो समझदार हो गए हैं, मैं दाना डाल भी दूंगा तो ये मेरे झांसे में नहीं आएंगे। और फिर भी एक दिन चांस लेके जब वो ऐसा करता तो हर पंछी फिर वही रटन तो कर रहा है कि हम फंसेंगे नहीं, और फिर भी दाना डालते ही सब वो दाना चुगने जाते हैं, और कैसे उस नेट में फंस के, वो जाली में फंस के वो शिकार बन जाते हैं। और जब शिकार बने भी गए तो भी यही बोली जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बात वही, ये रटन का मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है, ये एक परमात्मा को समझ के, देखकर, इससे प्यार करके फिर हर कार्य करना भक्ति बन जाता है। ऐसा जीवन ही जीना संतों ने सिखाया है कि कर्तव्यों से, अपने जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना, पर सबसे पहले प्राथमिकता फिर भी इस परमात्मा को ही देनी है। मन में सिर्फ परमात्मा जब होता है तो वहम भुले के, अंधविश्वास इत्यादि सब दूर होते जाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट होना एक जीवन में, वैसे भी हम कोई भी कार्य करें तो वो अंधाधुंध कार्य ना हो, उसके पीछे वो कारण पता हो कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों, तो वो स्पष्टता होनी जैसे हर चीज़ में ज़रूरी है, वैसे ही आध्यात्मिकता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सबकी अपनी भक्ति, एक यूनिक रिश्ता अपना और परमात्मा का जो बनता है, तो ये हर एक को सही कारण से करना है, किसी डर डरावे से नहीं, किसी और कारण से नहीं कि घर पे सब कह रहे हैं सत्संग पे चलो तो एक किसी का मन रखने के लिए चले गए। सत्संग तो मन से की जाती है, सेवा सुमिरन निस्वार्थ होके, ये मन की तार परमात्मा से जोड़नी है तो निस्वार्थ होके, एक अपने किसी वजह से नहीं, एक डर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर आधारित है ये भक्ति का रिश्ता। तो अपने रूह की इस परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति की जाए, सही कारण से भक्ति की जाए, तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्तिमय जीवन हर किसी के हिस्से आए, सभी अपना रुझान आध्यात्मिकता पे लगाएं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हर एक की हो, हर कोई अपने आप को मानवता के लिए समर्पित सेवा में लगाए रखे, मन से सुमिरन इस परमात्मा के साथ लगन लगा के करता जाए, संतमति वालों के साथ ये सत्संग रूप सिर्फ उनकी बातें सुनकर काम तक नहीं, जीवन पे भी एक लागू की जाए, तो दातार हर एक पे कृपा करे, सभी की भक्ति और दृढ़ होती जाए। सात संगत जी दानंकार जी। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।